बागीशी मोटे एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने मराठी तेलुगु और बॉलीवुड फिल्मों में टीवी तारक में और वेब शुक्ला में काम किया है। वो टीवी तारक सिया के राम और देवश्री गणेश, मराठी फिल्म कायरा रसकाला और मराठी वेब शुक्ला श्री कामदेवा प्रसन्नता में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई है। बागीशी मोटे का जन्म मंगलवार 27 सितंबर 1994 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी राशि तुला है। अपने बढ़ते वर्ष के दौरान वह नृत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखती थी और अपने स्कूल में विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेती थी। जब वह 11वीं कक्षा में थी तब उन्होंने अपने पहले नाटक में अभियान किया था। उन्होंने अभिनेत्री बनने का फैसला किया और अभियान में अपना करियर बनाने के लिए पुणे से मुंबई आ गई। मुंबई जाने के बाद उन्होंने मराठी और हिंदी टीवी धारावाहिक में अभियान भूमिका के लिए ऑडिशन देने के साथ साथ पदहारा डालमिया लायस कॉलेज से मास मीडिया में स्नातक की डिग्री हासिल करना शुरू कर दिया। अपने कॉलेज में उन्होंने यवसी का नाटक विश्वजन सहित कई नाटकों में भाग लिया है। उनके पिता एक व्यवसायी है और उनकी माँ गृहिणी है। उनकी बड़ी बहन मधु माकड़ा है जो 12 मार्च 2023 को पुणे के पिपारी पिछवाड़ा में निधन हो गया था। 12 फरवरी 2023 में उनके वनोई संकेत माकड़ा का निधन हो गया। उनका एक छोटा भाई भी है। 9 अक्टूबर 2022 को उनकी सगाई विजय पलाड़े से हुई जो एक प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट है और उन्होंने ऋतिक रोशन सहित कई मशहूर हस्तियों के साथ काम किया है। वह हिंदू धर्म का पालन करती है। जाने से पहले वह मराठी फिल्म सोदू कुटू में काम कर चुकी थी जो 2012 में रिलीज हुई थी। 2013 में उन्होंने सचिन जे जोशी, प्रकाश राज और महेश मांजरेकर अभिनीत हिंदी फिल्म मुंबई मिस्टर में एक बार डांसर की भूमिका निभाई थी। 2018 में उन्होंने नरेंद्र देशमुख अभिनीत मराठी फिल्म पटियाला में एक कलेक्टर की बेटी पुष्पा बदमेरा की भूमिका निभाई। 2019 में उन्होंने निक्की तंबोलिया और आदित्य अरुणा अभिनीत एक हॉरर कॉमेडी तेलुगु फिल्म चिकाती गाड़ीलु चिताकुट में काव्य की भूमिका निभाई। 2019 में उन्हें श्रेयस तालपड़े और सचिन पाटिल अभिनीत मराठी फिल्म विठ्ठल में अभियान किया। 2021 में उन्हें प्रतीक गांधी और एदिता रे अभिनीत रोमांटिक हिंदी फिल्म भवाई में प्यार की भूमिका निभाई। 2022 से उन्हें मराठी फिल्म एकदम कड़क में अभियान किया। उन्होंने 2013 में लोकप्रिय हिंदी टीवी शो देवो के देव महादेव में एक छोटी सी भूमिका के साथ टीवी उद्योग में अपनी शुरुआत की है जो लाइव ओके पर प्रसारित हुआ। 1.5 साल तक मुंबई में रहने के बाद वह 2013 में बड़ा ब्रेक मिला और उन्हें मराठी टीवी धारावाहिक दीवानी में दीवानी संत के रूप में पहली मुख्य भूमिका मिली जो टीवी चैनल स्टार प्रवाह पर प्रसारित होता था। 2015 में उन्हें स्टार प्लस पर प्रसारित हिंदी टीवी शो सिया के राम में संपूर्ण भूमिका निभाई।